हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे एडवेंचर बाइक्स के बारे में। तो बहुत दिनों से मेरे को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई एडवेंचर बाइक्स पे वीडियो बनाओ, एडवेंचर बाइक्स पे वीडियो बनाओ। तो फाइनली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज बना रहा हूँ। तो इस लिस्ट में जितनी भी मैंने बाइक्स इंक्लूड की, मैं कोशिश करूंगा कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोगों ने ये सब बाइक्स पर रिव्यूज डाले हैं, उनके ओपिनियंस भी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपको और ज्यादा बेटर नॉलेज हो इन सब बाइक्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। और वहीं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 200K सब्सक्राइबर मार्क को अचीव कर पाए। और साथ ही में अगर कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बातें बहुत हो गई, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी हर वीडियोज पर 7 बाइक्स पर बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मेरे को एक और बाइक नहीं मिली। बस इसी की वजह से इस हम लोग 6 बाइक्स पे बात करेंगे। और वहीं अगर ये वीडियो मैं BS4 एरा में बना रहा होता तो 7 के आपके लिए यहाँ पे मैं 10 एडवेंचर सेगमेंट्स की बाइक खरीद कर देता। तो आप लोगों ने बहुत सारी टाइप्स की बाइक्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि जो नेकेड सेगमेंट में आती है, जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती है, जो क्रूजर सेगमेंट में आती है। तो ये सब काफी पॉपुलर सेगमेंट है, इनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगी। और वहीं जो एडवेंचर सेगमेंट है, आज से 5-10 साल पहले उतना कुछ पॉपुलर नहीं था, लेकिन अभी कुछ समय में ये जो सेगमेंट है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इस सेगमेंट में अपनी अपनी बाइक को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एडवेंचर का नाम सुनकर तो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि इस सेगमेंट में जो आने वाली बाइक्स है उनको बनाया जाता है रफ रोड्स के लिए, रफ टेरेन के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए। तो ये सब बाइक्स की जो डिजाइन लैंग्वेज होती है, वहाँ पे आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि इनका जो सस्पेंशन ट्रेवल होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सम अदर बाइक्स। जैसे कि जो नेकेड बाइक्स आती है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक आती है, उनका सस्पेंशन ट्रेवल उतना नहीं होता है, लेकिन ये सब जो एडवेंचर बाइक्स है इनका जो अगर आप लोग फ्रंट की स्पेशली सस्पेंशन ट्रेवल देखोगे तो काफी ज्यादा लंबी देखने को मिलती है। पीछे की भी सस्पेंशन में लगभग वही हाल होता है। और दूसरी चीज आपको एडवेंचर बाइक्स में क्या देखने को मिलती है कि इनका जो फ्रंट टायर का साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर रियर टायर। जैसे अगर आपको फ्रंट में 19 इंच के व्हील मिलते हैं तो ये पक्का है कि आपको रियर में 17 इंच के व्हील देखने को मिलेंगे। अब ऐसे इसलिए किया जाता है ये सब बाइक्स के साथ ताकि इनके जो राइडर्स होते हैं उनको एकदम हाई कमांडिंग पोस्चर मिले, फ्रंट की जो व्यू एकदम क्लियर मिले। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पे तीसरी चीज देखोगे तो एडवेंचर बाइक्स में ये होती है कि एडवेंचर बाइक्स जो होती है उनका ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सम रेगुलर बाइक्स। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये सब जो बाइक्स है सब रफ टेरेन के लिए बने रहती है, रफ रोड ऑफ रोडिंग के लिए सब बाइक्स बनती है, इसलिए इनका हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। और हाई ग्राउंड क्लियरेंस से चौथी चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि इनका जो सीट हाइट होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है कोई रेगुलर बाइक से अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो। अब यहाँ पे छोटा मोटा भाषण देने के बाद मेरे को पक्का लगता है कि आप लोग अब समझ में आ गया होगा कि एडवेंचर सेगमेंट की बाइक्स किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो 6th नंबर पे बाइक है उससे। और वहीं यहाँ पे जो 6th नंबर बाइक है इस लिस्ट की सबसे एक्सपेंसिव बाइक और काफी ज्यादा पॉपुलर है प्रीमियम एडवेंचर सेगमेंट में। तो पहले ट्रायम्फ टाइगर 800 आती थी मार्केट में, लेकिन अब आपको इसका एक एल्डर डिस्प्लेसमेंट वाला मॉडल देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ट्रायम्फ टाइगर 900। और वहीं अगले साल टाइगर 1200 भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और वहीं 800 जो मॉडल थी उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अगर आपकी बजट की कोई इशू नहीं है, अगर आपका बजट काफी ज्यादा हाई है तब आप ट्रायम्फ टाइगर 900 के साथ जा सकते हैं। और वहीं अगर आप इसका GT मॉडल को लेते हो तो उसके लिए ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 15,32,000 रुपीज। और वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल के साथ जाते हो जो कि है रैली प्रो मॉडल, उसके लिए आपको पे करनी पड़ती है 17,34,000 रुपीज। तो इस बाइक की जो प्राइस है वो पहले से थोड़ी बढ़ गई। और वहीं यहाँ पे ट्रायम्फ का ये कहना है कि टाइगर 800 वाली मॉडल ये जो बाइक है काफी ज्यादा एनहांस्ड है, इसमें पिकअप भी अच्छा है, नया फीचर्स भी उन लोगों ने डाला है। तो इस बाइक में 94 bhp का पावर दिया गया और 87 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा इसके 888 cc इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन से। ये बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 20 लीटर की। और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये 830 mm, फ्रंट में आपको 100x90 सेक्शन के 19 इंच के टायर मिलते हैं और रियर में आपको 150x70 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिलते हैं। तो चलिए अब आप लोग ट्रायम्फ टाइगर 900 की GS फिल्म्स के भी ओपिनियन सुन लीजिए। और वहीं उनका जो फुल वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से फुल वीडियो देख सकते हो। तो भाई लोग 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलाने के बाद में आपको ये कह सकता हूँ कि बाइक बहुत फ्लेक्सिबल है, चलाने में बहुत लाइट फील होती है। आपको लगता है आप लोअर कैटेगरी की बाइक चला रहे हो, जैसे ड्यूक चला रहे हो, तो हैंडलिंग उतना ईजी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है सो फार, मतलब बहुत ही इफेक्टिव है। आप आगे की ब्रेक दबा लो या पीछे की, इंस्टेंटली यू कैन सी द रिजल्ट्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइडिंग पोस्चर लाइक इन बाइक्स का ना हमेशा बढ़िया होता है। आप नॉर्मल बाइक से ऊंचे बैठे होते हो, गाड़ी की हाइट पे बैठे हो ऑलमोस्ट, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है या यू फील वेरी ओपी। मतलब जो लोग गेम खेलते हैं उन्हें समझ आ जाएगा ओपी का मतलब क्या होता है यहाँ पे।
एंड टर्निंग रेडियस भी काफी अच्छा रहता है ऐसी बाइकों का। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर बाइक है ये बाइक आती है ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चरर केटीएम की तरफ से और वहीं इस बाइक का नाम है केटीएम 390 एडवेंचर। तो बहुत लोग इस बाइक के बारे में सोचते हैं कि इस बाइक का जो नाम है वो पूरा है ड्यूक 390 एडवेंचर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई ड्यूक व्यूक नहीं जुड़ा है, उसमें सिर्फ 390 एडवेंचर का यूज किया गया है। और वहीं 390 एडवेंचर को अगर आप लोग लेते हो तो इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 3,52,000 रुपीज। और वहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 390 एडवेंचर जो है इसमें वही वाला सेम इंजन आता है जो कि ड्यूक 390 में दिया जाता है, लेकिन इसमें फीचर्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बाइक में आपको फीचर्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है अगर ड्यूक 390 से कंपेयर करते हो तो। इस बाइक में लगभग आपको 42.3 bhp की पावर मिलती है और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 373 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये बाइक आती है 6-speed गियरबॉक्स के साथ और वहीं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14.5 लीटर्स की। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो एकदम पहाड़ पे 855 mm इसकी सीट हाइट है और वहीं इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है 200 mm का। इसमें भी फ्रंट में आपको वही सेम केस है जैसा कि हर एडवेंचर बाइक के साथ है, फ्रंट में आपको 19 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं और रियर में 17 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं। 100x90 सेक्शन का टायर फ्रंट में और रियर में 130x80 सेक्शन का है। अब आप लोग यहाँ पे GS Films की भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है इस बाइक के बारे में और उनकी भी जो कंप्लीट वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अभी तक तो इट इज इम्प्रेसिव क्योंकि भाई जिस बजट में ये बाइक आपको मिलती है ना आप बहुत मस्ती लगा सकते हो इसके साथ में। अच्छी बात है मैंने ABS ऑफ कर दिया फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड पीछे से ना बाइक की चेन आवाज कर रही है बस जैसे मेरी वाली ड्यूक में करती है ना घटक 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 मतलब गड्ढों में ये भी बज रही है और कोई दिक्कत नहीं है, हाथों पे कोई वजन नहीं आ रहा, बहुत ही कंफर्टेबल है और थोड़ी बहुत स्पीड भी मैनेज कर पा रहा हूँ, टायर की ग्रिपिंग अच्छी है एंड यहाँ पे तो देखो क्विक शिफ्टर वगैरह भी सही काम कर रहा है मैन। तो दोस्तों 390 एडवेंचर इस लिस्ट की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक थी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्थ नंबर बाइक है उसके बारे में और वहीं यहाँ पे जो फोर्थ नंबर बाइक है अभी की रिसेंटली लॉन्च बाइक है और इस बाइक का नाम है BMW G310 GS। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BMW के पास अपनी 310 cc इंजन के साथ दो बाइक है जिसका नाम है G310R और वहीं जो दूसरी उसका नाम है G310 GS। तो G310R के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि वो जो बाइक है थोड़ी सिटी फोकस्ड बाइक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करें G310 GS के बारे में जो कि BMW की तरफ से एक एंट्री लेवल की एडवेंचर बाइक है। तो जहाँ सब BS4 बाइक से BS6 की जो बाइक है उनकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे जो BS6 बाइक है G310 GS और अगर G310R की भी बात करें तो इन दोनों बाइक की प्राइस काफी ज्यादा घटी है। अब यहाँ पे जो G310 GS ये 390 एडवेंचर से आपको सस्ती देखने को मिल रही है और इसके लिए आपको ऑन रोड में प्राइस पे करनी है 3,22,000 रुपीज। तो इस बाइक में आपको अच्छा क्या मिल जाता है कि इस बाइक की जो हैंडलिंग वो काफी ज्यादा अच्छी है और वहीं इसका जो रोड प्रेजेंस है वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, कहीं से ये जो बाइक है 310 cc की नहीं लगती है। और वहीं इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ये भी काफी अच्छी मिलती है, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो बाइक की मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है इसके पीछे का तो आप लोग रीजन जानते हो क्योंकि प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आती है तो थोड़ी ज्यादा तो होगी ही। और वहीं अपाची RR 310 की जैसा अगर आप बहुत ज्यादा हाई रेव करते हो इस बाइक में तो इसमें आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलती है। पावर आपको इसमें मिल जाता है 33.5 bhp का 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है इसके 313 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। 6-speed गियरबॉक्स इस बाइक में आपको देखने को मिलता है, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाती है और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये 835 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक से कंपनी ने रिलीज की नहीं है। फ्रंट में इसमें आपको 110x80 सेक्शन के टायर मिलते हैं और 19 इंच के आपको व्हील्स देखने को मिलते हैं और रियर में 150x70 सेक्शन के 17 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं। और वहीं इस बाइक के लिए मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं सुनाने पाऊंगा क्योंकि अभी तक से जो ऑटोमोबाइल यूट्यूबर्स लोगों ने इस बाइक का जो रिव्यू उसको किया नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी थर्ड नंबर बाइक की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर बाइक है इस लिस्ट की ऐसी इकलौती बाइक है जो अभी तक से मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये बाइक मार्केट में आने वाली है और ये बाइक आएगी भी ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चरर KTM की तरफ से और इस बाइक का नाम होगा KTM 250 एडवेंचर। तो इस वीडियो में इस बाइक की मैं आपको कंप्लीट डिटेल नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको सभी चीज़ बताई थी इस बाइक के बारे में, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, इसकी जो प्राइस होने वाली है शुरू में लगभग 2.3 lakh से 2.5 lakh के बीच में होगी और वहीं इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है आपको 390 एडवेंचर ही जैसे देखने को मिलेगी और इसका जो इंजन है वो ड्यूक 250 वाला इसमें दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड नंबर बाइक है ये बाइक काफी पॉपुलर इस एडवेंचर सेगमेंट में और मेरे अकॉर्डिंग मैं यही सोचता हूँ कि यही वो बाइक है जिसने किक स्टार्ट किया है इस सेगमेंट को। तो रॉयल इनफील्ड हिमालयन जो है काफी ज्यादा पॉपुलर इस सेगमेंट में और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के पास ये बाइक होगी। करेंटली इसकी जो प्राइसिंग चल रही है वो है 2,24,000 रुपीज अगर आप इसको ऑनरोड न्यू दिल्ली में लेते हो तो। और टिपिकल रॉयल इनफील्ड बाइक्स की तरह इस बाइक में भी आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मोर देन 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिलता है। और वहीं ये जो बाइक ये 3 वेरिएंट्स के साथ आती है, स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस जैसे मैंने आपको बता दिया 2,24,000 रुपीज है
और डुअल टोन वेरिएंट के साथ अगर आप लोग जाते हो जो कि इसका टॉप मॉडल है, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है लगभग 2,30,000 रुपीज। पावर इस बाइक में आपको मिलता है 24.3 BHP का और 32 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 411 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। तो एक चीज है, इस लिस्ट की जितनी भी बाइक्स अभी तक से मैंने आपको बताया सब में आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड को अपना एक अलग प्यार है एयर कूल्ड सिस्टम के साथ। तो इसलिए रॉयल एनफील्ड भले कितना अपग्रेड कर लेती है, BS4 से BS6 चली जाती है या फिर BS6 से BS10 कभी जाएगी, लेकिन एयर कूल्ड सिस्टम बोलेगी ना इसको नहीं छोड़ना है। सो एनीवेज जोक्स असाइड, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में इसमें लिक्विड कूल्ड सिस्टम तो जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी लिक्विड कूल्ड नहीं दे पा रही तो ऑयल कूल्ड ही दे देती वही ज्यादा अच्छा रहता। और वहीं इस बाइक की जो सीट है 800 mm है और वहीं इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm है। तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने काफी अच्छा काम किया है कि सीट हेड बहुत ज्यादा हाई नहीं रखने के बावजूद भी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा अच्छी दी है। अब दूसरे हम लोग फर्स्ट टाइम बात करें उस एडवेंचर बाइक के बारे में जो कि बनी हुई है मास मार्केट के लिए, और वहीं यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जिनका बहुत ज्यादा बजट हाई नहीं होता है उन लोगों के लिए भी ये जो बाइक है उनको एडवेंचर बाइक वाली फील जरूर दिला देगी। तो अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहीं इस लिस्ट की सबसे ज्यादा चीपेस्ट एडवेंचर बाइक है, इस बाइक का नाम है हीरो एक्सपल्स 200। तो अभी तक से इस वीडियो में जितने भी हम लोगों ने एडवेंचर बाइक्स के बारे में बात की सभी की जो प्राइस थी वो 2 लाख से अप भी थी, लेकिन यहाँ पे ये जो बाइक है ये आपको मिल जाती है 1.5 लाख से नीचे के भी ऑन रोड प्राइस में। तो अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो ये बाइक के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,34,000 रुपीज। तो 1,34,000 रुपीज में आपको हीरो एक्सपल्स 200 मिल जाता है और इसमें वही वाला इंजन आपको मिलता है जो कि एक्सट्रीम 200S में आता है। हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ मानता हूँ कि इस बाइक में और ज़्यादा पावर और टॉर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो इस बाइक से तो आपको हल्की पावर की कमी लगती है। फिर भी हम लोग के पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में यही सिर्फ बाइक जो है वो अकेली आती है। इसका जो इंजन है वो 199 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है। पहले यहाँ पे एयर कूल्ड सिस्टम यूज करती थी कंपनी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है 13 लीटर्स की। इसकी जो सीट है ये 823 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 220 mm की। फ्रंट में आपको 90x90 सेक्शन के 21 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं और रियर में आपको 120x80 सेक्शन के 18 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बजट कम है, अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और उसी प्राइस रेंज में अगर आपको एडवेंचर बाइक चाहिए तब आपके लिए सिर्फ यही बाइक बचती है जैसा मैंने आपको बताया दिया। और वहीं इस प्राइस रेंज में ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी भी है, क्योंकि इसकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसकी जो इंजन रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। हाँ, इसमें थोड़ी और पावर और टॉर्क की रिक्वायरमेंट है जैसा मैंने आपको बताया दिया। और वहीं इसमें अगर 6-speed गियरबॉक्स भी हो जाता तो हाईवे में इस बाइक को चलाने में भी और मज़ा आता है, लेकिन फिर भी इस बाइक की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको हाईवे में रन करते हो तो 40 km/h तक की माइलेज इस बाइक से आप निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।